हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जैसी मेरे साथ है। अब क्या सिचुएशन है आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास छोटा सा टेबल है और इसमें आप देख सकते हैं टाटा सॉल्ट लिखा हुआ है और इसकी प्रोडक्ट आईडी भी लिखी हुई है और यहाँ पर यूनिट प्राइस दिया गया, यानी कि 31 रुपए का एक पैकेट है और कितना है 31 किलो क्वांटिटी सेल कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे में आपको टोटल निकालना है। तो आप सीधा क्या करते हैं, आपको पता ही है इक्वल टू का निशान लगाना है एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा काम यह है कि आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए यानी प्राइस को सेलेक्ट कर लीजिए और मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर दीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करते हैं तो यहाँ हैश वैल्यू एरर आता है और जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहां पर भी हैश वैल्यू एरर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या सोल्यूशन है, इस तरह के सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस तरह के सिचुएशन में ऐसे मैं हटा देता हूं, यहां पर भी हटा देता हूं और यहाँ पर भी हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए जीरो दिख रहा है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके जहां तक हमें चाहिए वहां तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 3-4 कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट सेल्स को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप या तो राइट क्लिक कर सकते हैं या तो कंट्रोल और अल्फा न्यूमेरिक की 1 प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अल्फा न्यूमेरिक की ही प्रेस कर लेते हैं। ये प्रेस किया, अब यहाँ पर आएंगे ना कस्टम पर तो आपको यहाँ पर जनरल दिखाई देगा। जनरल को हटाना है आपको और एक बार जीरो प्रेस करना है और जीरो को प्रेस करने के बाद यहां पर एक बार गैप दे दीजिएगा और फिर डबलेटेड कोर्स को ओपन कीजिएगा। और यहां पर चूंकि बात है प्राइस की तो प्राइस तो हमारा आरएस में आएगा तो यहां पे मैं आरएस कर देता हूं। आरएस यानी रुपीज की बात हो रही है और बस यहां से ओके कर दीजिएगा। तो ये काम हो गया। अब फिर यहां पर भी आते हैं और इसको भी सेलेक्ट करते हैं और फिर वही कि आपको कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है और 1 प्रेस करने के बाद यहां पर कस्टम पे आना है और फिर ये जनरल को हटा देना है। हटा दिया, फिर यहाँ पे जीरो को प्रेस कर लेना है, एक बार गैप देना है, फिर यहाँ पे डबलेटेड कोट्स को ओपन करके और अब यहाँ पे केजी कर देना है। जैसे केजी आप लिखना चाहते हैं वैसे केजी लिख लीजिएगा और फिर यहाँ पर ओके करिएगा। ठीक है, और ओके करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप प्राइस डालते हैं 30 रुपीज तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आरएस अपने आप आ रहा है और यहाँ पर क्वांटिटी अगर आप डालेंगे जैसे मान लीजिए 40 क्वांटिटी सेल कर दी तो 40 केजी सेल हो गया और यहाँ पे टोटल भी कैलकुलेट होकर आता हुआ आपको नजर आएगा। फिर यहाँ पर चेक करते हैं, प्राइस नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 120 रुपए प्राइस, 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये था और यहाँ पर आपने 30 किलो सेल कर दिया तो यहाँ पे 30 किलो सेल करने के बाद यहाँ पे टोटल आना चाहिए और फिर यहाँ पे दलिया की बात है तो यहाँ पे 120 रुपए का है। ठीक है, किलो का और आपने 3 किलो सेल किया तो यहाँ पे प्राइस आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको खाली क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना और ड्रैग कर देंगे तो सब आता चला जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी में आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन नीचे तो हमने देखा ही नहीं क्योंकि नीचे भी हमने सेलेक्ट किया था नीचे वाला हिस्सा, तो यहां पर भी तो हमें देखना होगा। तो अगर मैं यहां पर A04 कर देता हूं, देखिएगा A04 किया है और यहां पे दलिया हो गया था तो यहां पर अब टाटा लिख देते हैं, टाटा ये TATA टाटा टी यानी चाय पत्ती की बात कर रहे हैं और 1 किलो चाय पत्ती मिल रही है 450 रुपए की। ठीक है, और मान लीजिए कि 5 किलो आपने सेल किया तो यहां पर भी टोटल आना चाहिए। तो अभी क्या यहां पर भी टोटल आएगा, तो यहां पर इसको ड्रैग अगर मैं कर देता हूं तो देख सकते हैं यहां पर भी टोटल आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, और अगर बॉर्डर लगाना चाहे तो यहां पे इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा डालिए, अल्ट एच बी ए कर देंगे बॉर्डर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो बस ये तरीका है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।